हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह निकलने के बाद ब्रेकफास्ट किया था, रूम से आगे ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी देर बाहर निकल के आए हैं और अब यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा घूम रहे हैं। आज का कुछ ज़्यादा प्लान नहीं है क्योंकि जितना देखना था देख लिया है, और भी कुछ चीज़ें हैं तो वो हमने नेक्स्ट टाइम के लिए रखी है, क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब भी कुछ शाम तो बचना चाहिए ना देखने के लिए। तो अभी बस मार्केट में घूम रहे थे, अब वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। कहीं कहीं तो बहुत गंदी स्मेल आती है, पता नहीं क्या रखा होता है। मौसम आज भी अच्छा है, आज तो धूप नहीं है, आज बादल हैं और ठंडी हवा चल रही है। बहुत मुझे तो कम ठंड लगती है, गुरप्रीत को ज़्यादा लगती है, तो उसने जैकेट पहनी हुई है और हमारे पास दो ही जैकेट है क्योंकि हम इंडिया से बस दो ही जैकेट्स लेके आए थे। इधर नहीं जाना, और यहाँ पे आपको बहुत जगह हिंदी गाने बजते हुए मिल जाएंगे। ये लोग हिंदी समझते हैं और हिंदी मूवीज हिंदी सॉन्ग्स बहुत देखते हैं, नॉट कम्प्लीटली, काफी हद तक ये लोग हिंदी समझ लेते हैं, बिकॉज टूरिस्ट प्लेस है। और वैसे भी श्रीलंका में आपको हिंदी समझने वाले, थोड़ा बहुत जितनी जरूरत है उतनी कन्वर्सेशन करने वाले लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोग हिंदी सीरियल्स हिंदी मूवीज हिंदी सॉन्ग सुनते हैं तो समझ लेते हैं हिंदी। और जो लोग स्पेशली यहाँ से दुबई वगैरह जाते हैं, माइग्रेट करते हैं काम वाम के लिए, वो लोग कई बार वापस आ जाते हैं, वो लोग तो फुल फ्लुएंट हिंदी बोल लेते हैं। और यहाँ हम पहुँच गए इस ट्रिप के एंड पर, और ये रोड जो आप देख रहे हैं ये वापस हमें कोलंबो तक लेके जा रही है। यहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया और ये वाला व्लॉग भी बहुत छोटा सा हुआ क्योंकि इसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वो मोशन सिकनेस की वजह से, माउंटेन सिकनेस की वजह से, और मैं कुछ भी ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।